नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं जेएनयू के बारे में कुछ नया। जेएनयू के मेन द्वार से प्रवेश करते ही जो सबसे पहला हॉस्टल हमें मिलता है वो है गंगा हॉस्टल। ये लड़कियों का छात्रावास है और इसके सामने ही है गंगा ढाबा। मेरा उद्देश्य इस वीडियो का बनाने का बस इतना ही है कि आपको जेएनयू में कितने हॉस्टल्स हैं और कौन हॉस्टल्स लड़कियों के लिए है, कौन हॉस्टल्स लड़कों के लिए है और कौन हॉस्टल्स कॉमन हॉस्टल्स हैं और कितने डॉर्मेट्रीज हैं, बस इसकी आपको एक झलक सी मिल जाए ताकि जब आप आए यहाँ पे एडमिशन्स के लिए तो आपको हिचकिचाहट ना हो जानने और फाइंड आउट करने में कि कौन क्या है। ठीक है, गंगा से आगे बढ़ते ही झेलम और सतलज हॉस्टल्स हैं जो कि बॉयज हॉस्टल्स हैं। वैसे झेलम हॉस्टल सबसे पुराना हॉस्टल है जेएनयू का। बाद आता है नर्मदा हॉस्टल। नर्मदा हॉस्टल बेसिकली बॉयज हॉस्टल्स है और इसका एक्सटेंशन डोरमेट्री है लड़कियों के लिए और ये रहा आपका स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। नर्मदा के बाद आता है गोदावरी हॉस्टल जो कि लड़कियों का हॉस्टल है। गोदावरी हॉस्टल SBI बैंक के सामने है जो कि जेएनयू का इकलौता बैंक है। आगे बढ़ते ही उसी रास्ते पे कावेरी हॉस्टल आता है जो कि बॉयज हॉस्टल है और ये शॉर्ट रास्ता भी है आपको एडमिन ब्लॉक जाने का। साबरमती हॉस्टल 24/7। साबरमती ढाबे के बाएं साइड एक रोड जाती है जो आपको इन पांचों हॉस्टल्स की तरफ ले जाएगी। माही मांडवी कॉमन हॉस्टल है। माही मांडवी के बाद कोयना हॉस्टल आता है जो कि एक गर्ल्स हॉस्टल है। सामने ही सिप्रा हॉस्टल है, ये भी एक गर्ल्स हॉस्टल है। लोहित एक बॉयज हॉस्टल है। आता है चंद्रभागा हॉस्टल जो कि सबसे लास्ट हॉस्टल है इस रूट में, ये भी एक कॉमन हॉस्टल है। यमुना हॉस्टल एक गर्ल्स हॉस्टल है जो कि स्टेडियम साइड जब हम जाते हैं वहां पे है। ब्रह्मपुत्रा महानदी और सुबानसीर 615 बस के लास्ट स्टॉप पे हैं और ये रहा आपका जेएनयू का एक कॉमन सा रूम, हॉस्टल का रूम।